पूरे देश में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जननायक जनता पार्टी ने अपनी पूरी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शनिवार को जेजेपी के सिरसा लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह व सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सह प्रभारी अशोक शेरवाल ने संयुक्त रूप से सिरसा जेजेपी लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान सिरसा जेजेपी लोकसभा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की विशाल भीड़ ने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पुरजोर तरीके से पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर के एक प्रस्ताव पास किया, जिसे बाद में केंद्र सरकार को भिजवाने का भी निर्णय लिया गया। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। पार्टी का काम कर सकूं तो जितना भी होश क्या हमारे नेता ने, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट का काम है या नौकरियों का काम है या कोई और भी पार्टी का काम है, तो हमारे नेता ने उसको पूरा करने का काम किया है। लेकिन साथियों, अब हमारा हिस्सा थोड़ा है, तो थोड़ा होने की वजह से, तो इसलिए जो हमारे मंसूबे पूरे थे हम उनमें पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तो केवल 10 सीट है। तो इसलिए पूरा फैसला तो तब होता है जब हमारा पूरा बहुमत हो। हमारे 40 एमएलए हो तो परमात्मा ने चाहा तो अब की बार हमारा ये मिशन भी पूरा होगा और लोकसभा की तैयारी में आज हमारे नेता ने आदेश दे रखा सारे हरियाणा के अंदर, हम जा करके लोकसभा क्षेत्रों में, चाहे वो कोई सा भी इलाका, कोई सा भी हल्का है, वहां जाकर के हम अपनी तैयारी करने लग रहे। और 6 लोकसभा में हमने अपनी रैलियां की है और एक से एक रैली इतनी बड़ी हुई है और अपने रिकॉर्ड स्वयं हमने तोड़ने का काम किया है। तो साथियों, अब लोगों में भी ये चर्चा है कि भाई वाकई में भविष्य का ये लड़का, और मेरे पास SC सेल का प्रदेश अध्यक्ष की जो हमारे नेताओं ने कमांड सौंप रखी है, मैं सारे हरियाणा में 2 राउंड लगा लिए मैंने, तो सारे SC उसमें ये चर्चा है कि वाकई में जो चौरी देवीलाल की जो देन थी, आज चौरी देवीलाल की जो तस्वीर है आज दुष्यंत के अंदर दिखाई देने लगी है। तो आने वाला भविष्य है साथियों, तो आप लोगों का है और हम जितनी दिन रात मेहनत करेंगे तो उसका फल हमारे को मिलेगा। तो इसलिए मैं ज्यादा समय न लेकर के मैं फिर दोबारा से जो हमारा ये उद्घाटन किया हमारे नेता जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और अशोक जी ने, तो मैं फिर दोबारा से इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सारे जितने भी तमाम पार्टी की रीढ़ की हड्डी, जो आप वर्कर्स बैठे हो, जो चौधरी देवीलाल जी के सिपाही बैठे हो, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के सिपाही, हमारे डिप्टी सिंह साहब के साथी बैठे हो, इसके लिए मैं आप लोगों का जितना भी तहे दिल से धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। और सारे हरियाणा की नज़र आप लोगों की तरफ है, इसलिए मैं ज़्यादा समय ले करके आप लोग आए, आप लोगों ने अपना समय अपने कार्यशैली के माध्यम से भी, जब जब भी पार्टी ने आपके बीच में जिम्मेवारी लगाई है, तब तब साथियों आपके जिले का कार्य मैंने संभाला है आपने। और मैं साथियों आपके बीच में कहना चाहूँगा, बड़े खुशी मन से कहना चाहूँगा, जो साथियों सहयोग आपका साथियों निरंतर मुझे यहाँ पर मिला, चाहे आपका साथी आपके बीच में हमारे जो भी सदस्य अभियान चलाया उसमें आपने हर चक्कर जिस प्रकार से उसको पूरा किया, पूरा ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़ करके किया, उसमें आपने पूरा मुझे बड़ा सहयोग दिया। उसके बाद साथियों रैली आई आपके बीच में, रैली के लिए साथियों मुझे यहाँ पर प्रभारी बढ़ा करके भेजा। मैं कहना चाहूँगा साथियों, पहली बार यहाँ से इतनी भारी मात्रा में रैली में यहाँ से निकल करके गई, और प्रशंसा साहब के साथियों रैली के अंदर भी आपके जिले के हमारे नेता ने तो साथियों जिस प्रकार निरंतर आप मुझे सहयोग साथियों हमेशा देते आए, इसी प्रकार से साथियों आपके बीच में हम यहाँ पर रहेंगे, हमारे अध्यक्ष महोदय भी रहेंगे, मैं रहूँगा, उसी प्रकार से निरंतर आप हमारा सहयोग करें साथियों, और सहयोग करके साथियों हमें अपने नेता के हाथों को मजबूत करना है। हम साथियों अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि संगठन के माध्यम से साथियों सरकारें बनती हैं, कभी सरकारों से संगठन नहीं बना करते, साथियों सरकारें उन्हीं की बनती हैं। आज कांग्रेस साथियों 10 साल से साथियों सत्ता से बाहर है, इसलिए बाहर है जिसकी जड़ें कतार में थी साथियों, लेकिन बिना संगठन के आज साथियों वो कहीं नहीं।
ना उनके साथियों ग्रास रूट पे संगठन है, ना ऊपरी लेवल पे संगठन है, कोई संगठन नहीं है। बिन बंदी के लोग हैं, लेकिन साथियों मैं इतना कहना चाहूंगा कि 6 साल के अंदर जो संगठन साथियों हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी ने, आदरणीय डॉक्टर अजय चौटाला जी ने हमारे समक्ष बढ़ा करके दिया है, वो पूरे देश की किसी पार्टी ने आज तक बढ़ा करके नहीं दिया साथ। क्योंकि चाहे विधानसभा कमेटियां हो, चाहे आपकी बूथ कमेटियां हो, चाहे आपकी जिला कमेटी हो, चाहे देश कार्यकारिणी हो, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, चाहे शहरों की कार्यकारिणी हो, हमारे सरदार निशान सिंह जी प्रदेशाध्यक्ष के हाथों से हटाया गया है। तो लगातार जननायक जनता पार्टी अपनी रैलियाँ करके लोकसभा में जा करके अपनी तैयारी में जुटी हुई है, और उसी कड़ी के तहत आज लोकसभा चुनाव का कार्य आज खुला है। 10 की 10 लोकसभा सीटों के अपने कार्यालय खुलने जा रहे हैं। आज पहले बार का शुरुआत यहाँ से की गई है। आपको इस सीट का प्रभारी बनाया गया है, कार्यकर्ता जहाँ तक जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सवाल है, जननायक जनता पार्टी हर समय फील्ड में अपना कार्यकर्ता लगा रहता है, वो बड़ी मजबूती के साथ काम में लगा हुआ है। हमने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश यही दिया है कि आगामी लोकसभा जो चुनाव हमारे बीच में आया है, उनकी तैयारियों को लिए घर पर जाकर तैयार करें, वोट देने के आधार पर और गाँव गाँव में जा सकें, अपने बूथ लेवल पर जा करके बूथ योजना तैयार करें, बूथ सभी तैयार करें, जो जिस पार्टी आप इंतजाम कर रहे हैं बूथ को संभाल सकें और बूथ कामयाब कर सकें। जननायक जनता पार्टी ने अपने लोकसभा के चुनाव जो आने वाले हैं उनका श्री गणेश शुरुआत इस दफ्तर का मुहूर्त करके की है सिरसा में, और लगातार इसी कड़ी में बाकी दफ्तरों का भी मुहूर्त करते रहेंगे, और एक अभियान जो है इस चुनाव को जीतने के लिए उसकी आज शुरुआत की है। आज शुरुआत की है सिरसा से, और इसी कड़ी में लगातार आगे बढ़ेंगे। नव संकल्प रैलियों के रूप में 6 जिलों में हमारे नेता पार्टी जा चुकी, बड़ी जनसभाएं हो चुकी हैं, और उसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी लगातार लोगों के संपर्क में हैं। मैं मान के चलता हूं कि इस चुनाव में भरपूर समर्थन पार्टी को मिलेगा।